तो अभी हम खेलेंगे कार्ड्स, खेलना है अपने को ना खाली या नहीं ब्लॉग में अपने को ना खाली अच्छा अपने पत्ते खाली और मैं तो पहले ये बस हम चल रहा उसी के लिए अगर स्पीड चल रहा है सबको स्पीड चल रहा है ठीक है सबसे आगे चल रहा है वो जो तो गाइस अभी हम जा रहे हैं फतेह सागर, तो वहाँ जाके हम पियेंगे कॉफ़ी और मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे क्या होता है कैसा होता है। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं तो मैं आपको वहाँ जाके मिलती हूँ कि हम लोग कैसा क्या लेते हैं। तो अभी और यहाँ भी लेफ्ट साइड में उल्टा लाते रहे उतर जाओ ना मैं खड़ी भी आ जाऊँगा वाले उतर जाओ होगी मुझे पता है बेटा आप बहुत चालू इंसान यहाँ पे आओ नहीं बना रही हूँ अच्छा अच्छा गाइस अभी हम लोग फतेह सागर आ गए हैं और अभी हम पहले पियेंगे कॉफ़ी उसके बाद हम देखते हैं अगर हमें जो स्पीड बोट है वहाँ जाने को टिकट मिलती है तो क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो ये कुछ इस तरीके का व्यू है एकदम मस्त मौसम हो रहा है धीमी धीमी बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा ही लग रहा है हमें यहाँ पे। तो अभी हम लोग पीने वाले हैं ये बहुत जाइंट सा कॉफ़ी। तो जो कल हम लोग गए थे यहाँ इधर सज्जनगढ़ का किला और वहाँ से पूरा व्यू आ रहा था फोटो पहले लेना था आपको कैसे लग रहे थे ही बना रही है पूरी वो तो
कैसा लग रहा आपको कॉफी पी के? वो भी तो एकदम मस्त है। भाई साहब आपको कैसा लग रहा है कॉफी पी के? तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने। तो अभी हम लोगों ने मोमोज खाया है, मंचूरियन खाया, पाव भाजी खाया है यहाँ एक्वेरियम। आप लोगों ने देखा पीछे कितनी भीड़ थी, तो अब हम यहाँ एक्वेरियम जाएंगे, बहुत मस्ती करेंगे और सारे लोग पीछे आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मौसम हो रहा है, एकदम मस्त वाला मौसम हो रहा है यहाँ पे। हवा भी बहुत मस्त चल रही है। मैं बच्ची, मुझे बच्चों में काउंट करती है, तीनों बच्चे हैं। जहाँ हमने एक्वेरियम की ट्रिप ली थी वहाँ पे मुझे इसको और उसको तीन लोगों को बच्चा बना दिया, बच्चे वाली टिकट दी है, छोटी हाइट होने का फायदा। अरे भाई छोटी हाइट होने का फायदा है, बच्चे की टिकट मिल गई है हमको। हाँ आ चुके हैं एक्वेरियम और अब हम जा रहे हैं एक्वेरियम। यार ऐसा तो नहीं है, टिकट खिड़की शार्क। ये
ये बहुत प्यारी सी नियॉन फिश है, ये बहुत प्यारी है, बहुत छोटे छोटे फिश हैं। यहाँ पे ये देखो, ये एक छोटी सी फिश है सिर्फ इस एक्वेरियम में। टाइटन हो गई आज तक उसने पूरी करनी है। फिर टाइटन और तो ये है शार्क, स्पीड देखो इसकी कितने ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है। तो ये है इसका इस साइड सारे छोटे छोटे एक्वेरियम हैं और इस साइड सारे बड़े बड़े एक्वेरियम हैं। तो ये पूरा कुछ इस तरीके से, इस साइड बड़े एक्वेरियम हैं, इस साइड सारे छोटे छोटे, जो टाइनी टाइनी सी बहुत छोटी छोटी जो फिशेज हैं वो इस साइड वाले एक्वेरियम में हैं, बहुत छोटी। ये ऊपर से नीचे आ रही थी, पत्थर लग गया। तो हर एक्वेरियम के नीचे ये कुछ इस तरीके का एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है, जिसमें जो भी फिश है इस वाले एक्वेरियम की उसके बारे में पूरी डिटेल्स इसमें आती है कि कैसी क्या कौन सी फिश है, कैसा इसका वो सब कुछ इसमें आता है, नेम वगैरह। और ये इस तरीके की फिश है, नेम वगैरह सब कुछ इससे ज़्यादा। सारी इतनी प्यारी प्यारी फिशेज हैं यार, इतनी मतलब अच्छी लग रही है ये जो मूव कर रही है, एकदम अलग सी जो फीलिंग आती है ना वो है। ये देखिए ये, तो इसका जो फिश का नेम है वो है सिल्वर डॉलर। तो देखिए ये किस तरीके की फिश है, एकदम इसका जो कलर है। और ये ना सबको सारे लोग ग्रुप में मूव करते हैं इस तरीके से, या फिर इस तरीके से सारे सारे लोग ग्रुप में ही मूव करते हैं। और इसको कुछ इस तरीके का है, इसका नेम है सिल्वर डॉलर। नेक्स्ट हमारी जो फिश है वो ये इस तरीके का फिश है, इस तरीके का। और हाँ मैंने ये लिया था, इसका जो नाम है वो है एंजल फिश। तो ये इस तरीके का जो फिश है
ये भी मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट फिशेज यहाँ पे जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे आपको। तो इसमें ये एक छोटी सी कैट फिश है, ये है कैट फिश, इसकी पूरी कुछ यहाँ आ जाएगा रेड टेल कैटफिश। तो ये है रेड टेल कैटफिश, इसकी जो टेल है वो रेड कलर की, बहुत हल्का सा रेड है। तो जो नेक्स्ट फिश है वो हमारी ये है, ये है, इसका जो नेम है अभी आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके की फिशेज का नाम है टिन फॉइल ब्राब्स। इनकी जो स्किन है एकदम फॉइल की तरह, यार रुको रुको, ये कौन सी फिश है? ये है। फाइंडिंग नीमो का चार कजन है, दूर का थर्ड कजन। ये इतनी प्यारी फिश है, बहुत छोटी सी है और कितनी प्यारी है। तो ये जो फिश है वो है गोल्डन ट्रेवली। ये बिल्कुल भी कुछ मूव नहीं कर रही है, लेकिन बहुत जाइंट फिश है ये इस तरीके का। और इसमें ही है ये बहुत प्यारी सी स्टार फिश। तो ये है स्टार फिश और ये इधर है, और वो ये वाली है लायन फिश। देखिए कितनी छोटी फिश है ये। एंटर किया था हम लोगों ने, अभी दूसरे उसमें जा रहे हैं, दूसरे चेंबर में। यहाँ देखते हैं कौन कौन सी फिशेस हैं। ये सारी फिशेस हैं, और ये एक बड़ा एक्वेरियम है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी फिशेस हैं। और यहाँ हम लोग ऐसे फोटोज भी क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो फिश है ये कुछ इस तरीके की फिश है, क्रोकोडाइल टाइप की फिश है ये, जो इसका जो मुंह है वो थोड़ा क्रोकोडाइल जैसा है, और ये इस तरीके से मूव करती है। ये है इस तरीके की फिशेस। यहाँ पे और भी हैं, कई सारी फिशेस हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। और ये देखिए जो नेक्स्ट एक्वेरियम है, इसकी जो फिशेस के माउथ में बनाने की कोशिश, तो अभी 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 जा रहा है हर्षित, वो करेगा ये शार्क अटैक वाला। फिर क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ? हमें दिख रहा था वो, तुम्हें क्या हो रहा है, डर लग रहा है या नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, रिएक्शन दे तो बस। देख रहा था ना, एक जगह खड़े होकर क्या ही देखूं, मैं घूमूं तो ये प्लीज चले चलो। ये कितनी ब्यूटीफुल मरमेड इन लोगों ने बनाई। तो हम लोगों ने अपना पूरा एक्वेरियम क्लिक करा लिया, अब आप देख सकते हो पूरी रात हो गई है, मस्त अब मस्त मौसम है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फतेह सागर का रात को कैसा व्यू होता है। तो
रात को फतेह सागर का कुछ ये व्यू होता है, पूरी सिटी की लाइटनिंग वगैरह ऐसे दिखती है, मस्त चलता है हवा, तो मस्त हवा चलती है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मतलब काल्म वेदर रहता है उदयपुर का। एक्वेरियम चलो, लेट्स गो लेट्स गो। अरे अपन लोग तो मगर इधर से आए थे ना, अंडर द सन। ये है बिगेस्ट एक्वेरियम गैलरी, यहाँ पे हमने देखे 125 फिशेस। तो सबको ही जाना है क्या? ये आज के बहुत मजा आया, ये जो दो तीन दिन है ये बहुत ज्यादा शांति वाले दिन है इस कोविड सिचुएशन में। या अच्छा भागो भागो, डिंग 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 डिंग। मैं यहीं वेट कर रही हूँ, तुम लोग जा लो। मैं तो एक्वेरियम में आ रही है, अभी रुक जा, बहुत सारी आ रही हैं और लगातार आ रही हैं भाई। अब मुझे दाबेली खानी है, मम्मी जी ने इतनी मेहनत से इतनी सामान। हां वही तो, मैं खा लूंगी, मुझे दाबेली भी खानी है, लेकिन मेरा कल फास्ट है, मुझे आज दाबेली खानी है। ओह तू घर जाके कैसे बनेगी दाबेली? मैं कह रहा हूं दाबेली वाले घर जाके बनवाएंगे, वो बता रहे लौट आएगा, अभी वापस जाएगा थर्ड वेव आने तो। डॉक्टर साहब आपका क्या कहना है थर्ड वेव को लेके? इनेविटेबल डॉक्टर गुलेरिया के शब्द बोलना चाहूंगा मैं, ही सेड इन आई कोट थर्ड वेव इज इनेविटेबल। इनेविटेबल मतलब अब नहीं रुकेगी, आज हम जा रहे हैं दाबेली खाने, क्योंकि कल हम गए थे तो आंटी ने बोला, क्योंकि हम फतेह सागर से लेट हो गए, उसके बाद हम एक्वेरियम गए थे तो वहाँ से हम बहुत लेट हो गए थे, तो आंटी ने बोला कि वह 8 बजे तक ही ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद ऑर्डर नहीं लेते। तो आज हमारा लास्ट डे है उदयपुर में, कल हम लोग चले जाएंगे वापस, तो आज हम जा रहे हैं दाबेली खाने। तो मैं आपको दिखाती हूँ, दाबेली यहाँ की बहुत फेमस डिश है, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसी होती है, उसका टेस्ट कैसा होता है, कैसे बनती है, मैं आपके साथ पूरा वो शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे ब्लॉग्स को इन्जॉय किया है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और आगे शेयर कर दो। तो अभी हम रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं। आ जाओ आज मैं आगे बैठ जाऊँ, दो सालों से नहीं बैठी। वो आंटी ने फिलिंग भर दी, उसके बाद सेक दी। फिलिंग तो घर से कैसे लाते हैं, वो थोड़ी जगह भी नहीं, रेसिपी कैसे बताते हैं? हमनी क्या? हमनी क्या है? सेब हमनी, हमनी। अच्छा ये दाबेली, ये है दाबेली।